हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजियो नेक्स इंदौर। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो का टॉपिक है शियाटिका। जी हाँ, शियाटिका जो है एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जिसमें क्या होता है आपके कमर से, ये इस हिस्से से कमर से यहाँ से दर्द धीरे धीरे सेंटर से शुरू होता है और ये पीछे से और साइड से पूरे पैरों में जाता है। ये किस वजह से होता है तो सभी को पता है कि L4, L5 और L5S1 नर्व रूट से जो नर्व निकलती है उसका नाम रहता है शियाटिका नर्व, शियाटिक नर्व। तो उसमें कंप्रेशन अगर होता है उस नर्व में तो उसकी वजह से जो पेन पैरों में जाता है उसको हम बोलते हैं शियाटिका, ठीक है। और अब ये दबने के क्या कारण होते हैं, किस किस कारण से शियाटिका हो सकता है, वो किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको शियाटिका में की जाने वाली एक्सरसाइज के बारे में बता रहा हूँ। उसमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज और मोबिलिटी एक्सरसाइज एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज रहेगी, जो कि आपको पेन रिलीफ देगी। और बहुत बार तो क्या होता है कि एक्चुअली सियाटिका है आपका L4, L5 या L5S1 में ना दबके जो बाजू में जो मसल्स होता है, इसको पायरीफॉर्मिस बोलते हैं, ये आपके सेक्रम वाला जो बड़ा हड्डा रहता है, इससे ये जो आपका फीमर, इसके बीच में से एक मसल निकलता है पायरीफॉर्मिस, उसके टाइट होने की वजह से भी उसके बीच में है ना, क्योंकि पायरीफॉर्मिस और जो नीचे वाले मसल रहते हैं उनके बीच में से शियाटिक नर्व पास होती है, तो उस हिस्से में भी वो नर्व कंप्रेस होती है, तो उसको बोलते हैं पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम। तो शियाटिका में होने वाला पेन और पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम में होने वाला पेन दोनों ही सेम लगते हैं, है ना। तो अगर आपको ट्रू शियाटिका नहीं है और पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम है तो वो तो और भी जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर डिस्क इन्वॉल्वमेंट या बोन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और आपको अगर ट्रू शियाटिका है तो भी ये एक्सरसाइज हेल्प करेगी और आपको जल्दी आराम देगी। तो एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और हमसे जुड़े रहिए, है ना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मोबिलिटी एक्सरसाइज करेंगे। इसमें आप हमें क्या करना है वो मैंने बैक पेन वाले वीडियो में भी बनाई थी, बताई थी कि हमें पैरों को मोड़ के रख लेना है, बॉडी को रिलैक्स रखना है, आराम से नॉर्मल ब्रीथ, फिर हल्का हल्का पैरों को ऐसे मूव करना है। इससे क्या होगा, आपका ये जो लोअर बैक एरिया है उसको मूवमेंट मिलेगा और उसमें जो स्टिफनेस है, जो जाम जो रहता है, वो एरिया धीरे धीरे फ्री हो जाएगा। फिर आप इसी को ऐसे करके, फिर को ऐसे रख के, अगर पूरा पेन नहीं रखते बनता तो ऐसे भी रख सकते हैं या ऐसे, जैसा आपसे रखते हैं। मैं ऐसे बता देता हूँ क्योंकि अधिकतर पेशेंट इतना ही रख पाएंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ रिलैक्स करके ये आपको इस साइड से भी मोबिलिटी करनी है, जिस साइड से दर्द है उस साइड से भी और अपोजिट साइड से भी, दोनों साइड से आप कर सकते हैं। ये ऐसे ये मोबिलिटी एक्सरसाइज आपने करनी है। फिर ये कंप्लीट होने के बाद में पैरों को थोड़ा दूर रखकर ये हिप मोबिलिटी, क्योंकि बहुत बार क्या होता है हिप जॉइंट के जाम होने से भी पायरीफॉर्मिस मसल, क्योंकि वो हिप का इंटरनल रोटेटर है, उसमें जब मूवमेंट नहीं होती हिप में या मसल जाम होने से हिप जाम हो जाता है या हिप जाम होने से मसल जाम हो जाता है, वाइस वर्सा सिस्टम है, तो ये मोबिलिटी से आपका पायरीफॉर्मिस मसल भी फ्री होगा और हिप रोटेटर और भी जो दूसरे मसल से फ्री होंगे और आपको आराम मिलेगा। फिर इसके बाद में ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आपने एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज ले लेनी है। उसमें आपने क्या करना है, जब आप सांस लेंगे तो अपनी उंगलियों से, इधर ध्यान दीजिएगा, उंगलियों से काउच को दबाएंगे इस टाइप से और सांस छोड़ेंगे तब छोड़ देंगे। ना जब आप ये करेंगे तो आपको सेक्रम पे, इस वाले बड़ी वाली बोन पर मूवमेंट फील होगा। ये हो गई आपकी लोअर बैक की मोबिलिटी एक्सरसाइज। फिर इसके बाद में आपने क्या करना है, इसके बाद में आपने जो हम ये जो ब्रिजिंग एक्सरसाइज है, ये जो हम बैक पेन में करते हैं, ये भी आप कर सकते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 relax फिर से 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 relax। ये आपने 10 बार करनी है। ध्यान ये रखना है, अगर इसको करते टाइम आपको पेन होता है तो ये एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। अगर पेन नहीं है तो आप कर सकते हैं, ये एक्सरसाइज होगी। फिर इसके बाद में आपने क्या करना है, इसमें पायरीफॉर्मिस मसल की हमें स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग दोनों करनी रहती है, और ओवरऑल जो ये पायरीफॉर्मिस, आईटी बैंड और काफ, ये तीनों का स्ट्रेचिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज तो जो मैंने बैक पेन के वीडियो में बताई थी ऑलमोस्ट वही रहेगी। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उसमें से भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज देख सकते हैं। अब मैं आपको स्ट्रेचिंग बताता हूँ पायरीफॉर्मिस मसल की। पायरीफॉर्मिस मसल जो कि पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम में भी टाइट रहता है और सियाटिका में भी टाइट रहता है, उसमें आपने क्या करना है, सपोज इस साइड का आपको पैर में दर्द है तो उसको ऐसे ऊपर रख लेना है। पेशेंट हो सकता है वो ऐसे रख ही नहीं पाए क्योंकि उनको दर्द होने लगता है, तो वो फिर ऐसे ही रहेगा। तो फिर धीरे धीरे पहले तो आपने यही मोबिलिटी करनी है हाथों से और उसको ऐसे लाने की कोशिश करनी है। अगर फिर भी नहीं आ पाता है तो पैर सीधे कर लेना है और घुटने के ऊपर दूसरा घुटना रख के ये उसको धीरे धीरे ये नीचे करने की कोशिश करना है। पेशेंट का यहीं पर अटक जाता है कुछ कुछ लोगों को, तो आपको उसको पूरा ये नीचे करने का ट्राई करना है, ये ऐसे, ये 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 जब होने लगेगा तो आपको पायरीफॉर्मिस को स्ट्रेच करने के लिए ऐसा रखना है, दूसरा वाला पैर मोड़ लेना है और उसको यहाँ से पकड़ना है ऐसे, और यहाँ से या यहाँ से आप कहीं से भी पकड़ सकते हैं जहाँ आपको कंफर्टेबल। जैसे ये आप पकड़े हैं तो ये जो पैर है इधर वाला, ये वाला जो मुड़ा हुआ है उस पर एक शार्प स्ट्रेच आ रहा है आपके हिप जॉइंट के अराउंड, ये इस स्ट्रेच को फील करना है। रिलैक्स रहकर इसको आपको स्ट्रेच करते जाना है, करीब करीब 20 सेकंड का लॉन्ग स्ट्रेच करना है। 1 2 ये स्ट्रेच आपने करना है 3 से 5 बार। फिर थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाना है, रिलैक्स ब्रीदिंग करनी है, अगेन रिपीट करना है ये 1 2 3। स्ट्रेच आप जितना सहन कर सकें उतना बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस एरिए में स्ट्रेच आएगा, इस एरिए में। अगर आपका नी जाम जॉइंट है और वो इतना मूव नहीं कर पा रहा है तो आप स्ट्रेच को ना करें, मैं उसका एक अल्टरनेट स्ट्रेच भी आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप ये कर पा रहे हैं तो आपने ये स्ट्रेच करना है, दूसरे पैर से भी आप कर सकते हैं इस टाइप से। आप यकीन मानिए ये स्ट्रेच बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है शियाटिका के पेन में, और अगर आपका पेन जो है शियाटिका जैसा लग रहा है लेकिन वो शियाटिका नहीं होकर सिर्फ पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम है तो ये स्ट्रेच से ही वो 70-80% धीरे धीरे चले जाएगा। ये आपने पायरीफॉर्मिस का स्ट्रेच किया, फिर आपने ये वाला जो बाजू वाला हिस्सा है इसकी स्ट्रेचिंग करना, इसको आईटी बैंड बोलते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ के ये घुटना इस वाले शोल्डर की तरफ ऐसे रोटेट करके, ऐसे नहीं घूमना आपने, इसने यहाँ टिका के रखना है और इसने इधर पुल करना है, तो आपको पायरीफॉर्मिस पे भी और थोड़ा ये आईटी बैंड पे भी है इस हिस्से में थोड़ा स्ट्रेच आएगा इधर और हल्का सा इधर भी आएगा ये जो, अगर आप ये वाला स्ट्रेच नहीं कर पा रहे थे नी पेन के कारण तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, तो इसमें आपका ये पायरीफॉर्मिस इसमें भी स्ट्रेच हो जाएगा। ये आप दोनों पैरों से कर सकते हैं, गुड। अब अगला स्ट्रेच जो है वो हम हैमस्ट्रिंग और काफ मसल और शियाटिक नर्व तीनों के लिए करेंगे। इसमें आपने क्या करना है, पैर को ऐसे यहाँ पकड़ लेना है धीरे धीरे 90 या उससे ज़्यादा जो भी एंगल आप आराम से बना पाएं, ये है ना। फिर बोलना चाहूँगा, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि आपको कंफर्टेबल ड्रेस पे एक्सरसाइज करनी है, मुझे क्लिनिक टाइम पे ही वीडियो बनाने पड़ते हैं, तो ना चाहते हो भी फॉर्मल में बनाना पड़ रहा है, लेकिन आप आराम से कंफर्टेबल ड्रेस पे करिएगा। तो आपने इसको ऐसे मोड़ लेना है और धीरे धीरे ये पैर को सीधे करते जाना है। आपको यहाँ पे या यहाँ पे, जिसका हैमस्ट्रिंग ज़्यादा टाइट होगा उसे हैमस्ट्रिंग पे ज़्यादा स्ट्रेच आएगा, जिसका काफ ज़्यादा टाइट होगा उसे काफ पे ज़्यादा स्ट्रेच आएगा। ये स्ट्रेच करना है, लास्ट में जब आप पंजे को नीचे पुल कर देंगे तो शार्प स्ट्रेच आएगा पूरा पीछे आपको ग्लूट्स वाले एरिया में, हैमस्ट्रिंग वाले एरिया में और काफ वाले एरिया में। इससे पूरा आपका शियाटिक नर्व, काफ और हैमस्ट्रिंग तीनों
स्ट्रेच और फ्री हो जाएंगे। ये स्ट्रेच आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तीन तीन बार करना है, मैं एक एक बार समझा दे रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ये उठाया, ये और इसको लास्ट में ऐसे पुल कर दिया, ये वेरी गुड। ये स्ट्रेचिंग आप इतनी भी करेंगे तो पर्याप्त है। इसके बाद में आप ये इस टाइप से भी मोबिलिटी जो मिड और परफ के लिए भी ये भी कर सकते हैं, है ना। तो ये मैंने आपको स्ट्रेचेस बताया और मोबिलिटी बताई जो आपको शर्टिका में डेफिनेटली हेल्प करेगी, पायरीफॉर्मिस में भी हेल्प करेगी। और इसके अलावा आपने एक एक्सरसाइज और करनी है कि आपको ये क्वाड्रपेड पोजीशन ले लेनी है आराम से। इसमें ये जैसे जब आप पीछे जाएंगे तो नीचे देखेंगे, आगे जाएंगे सामने देखेंगे, पीछे जाएंगे घुटने देखेंगे, आगे जाएंगे सामने देखेंगे, पीछे जाएंगे घुटने देखेंगे, है ना। इससे आपका केनाल इनलार्जमेंट होता है, चेस्ट एंड कैमल भी आप कर सकते हैं। और ये सिंपली अगर आप ये पोजीशन भी मेंटेन रखते हैं तो यहाँ ये आप ये लोअर क्वाड्रपेड अगर मेंटेन करते हैं 5-10 मिनट के लिए प्रॉपर ब्रीदिंग के साथ, पंजों पर ही वजन रखना है, तो इस एरिए से कंप्रेशन आपका कम होगा, थोड़ा एक इनलार्जमेंट मिलेगा इस एरिए को और आपका नर्व रूट जो कंप्रेस हो रहा है वो फ्री होगा। तो ये एक्सरसाइजेस और बाकी स्ट्रेचेस काफ के, हैमस्ट्रिंग के, पायरीफॉर्मिस के डेफिनेटली आपको शर्टिका में रिलीफ देंगे। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी आपको करनी है, ब्रिजिंग भी आप कर सकते हो अगर उसमें कोई दर्द नहीं हो रहा है तो। ग्लूट्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए ग्लूट्स एक्टिवेशन एक्सरसाइज होती है, वो भी आपको फटाक से बता देता हूँ, वैसे उस वाले वीडियो में बता रखी है फिर भी बता देता हूँ। इसमें आपने क्या करना है, दोनों ग्लूट्स ये दोनों पैर को ऐसे बांध लेना है और ऐसे मिला लेना है एड़ियों को। अब एड़ियों के पास से सिर्फ नाम मात्र की ताकत लगाना है, आपने सिर्फ इनको टाइट करना है ग्लूट्स को ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स ही आराम से लेट के करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स ही ये इसकी देखिए 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 relax 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 relax। ये एक्सरसाइज भी आपने करनी है। ऑफिस में आपके पास पलंग नहीं है तो आप एक क्विक स्ट्रेच वैसे बैठ के भी कर सकते हैं कहीं पे भी, घर पे, ऑफिस में कहीं भी, ये है ना जो अपन लेट के किया था वही पोजीशन बैठने बना ली। अब आपको इसको इधर खींचने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे आगे लीन कर सकते हैं, सेम उसी एरिया में पायरीफॉर्मिस वाले में स्ट्रेच आएगा। ये स्ट्रेचिंग और जो हमने क्वाड्रपेड वाली एक्सरसाइज बताई थी वो एक्सरसाइज करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, मोबिलिटी बनाए रखेंगे, डेफिनेटली आपको शर्टिका में फ़ायदा होगा। और भी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जो पर्टिकुलर शर्टिका में लगती है उसका वीडियो भी मैं एक और आपको बना के दूंगा काफ़ी जल्दी, वैसे जो मैं लिंक डालूंगा उसमें भी एक्सरसाइजेस बताई गई हैं। ये स्ट्रेचिंग काफ़ी हेल्पफुल है, मोबिलिटी स्ट्रेचिंग और प्रॉपर आप सब चीज़ें मैनेज रखेंगे तो आपका दर्द धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बात आपको क्लियर होगी। अब शर्टिका किस किस कारण से हो सकता है, जैसे आपके हिप के जो मसल्स हैं, हिप जॉइंट का टाइट होना, क्योंकि हिप जॉइंट टाइट नहीं रहता है तो जो मोबिलिटी हिप पे आनी चाहिए, जैसे ये मोबिलिटी नहीं हो पाती हमसे तो हम ऐसे करते हैं तो डिस्क निकल के बाहर आती है। तो क्या क्या कारण होते हैं डिस्क निकलने के या स्लिप डिस्क के, शर्टिका के, उसका एक डिटेल वीडियो मैंने बैक पेन कॉजेस पर क्वेश्चन बना रखा है, उसका भी लिंक डाल दूंगा। और भी डिटेल एक्सप्लेन करने के लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको कमर दर्द के जो भी पॉसिबल कारण हो सकते हैं, जैसे उसका ब्रीदिंग से कनेक्शन, हिप मोबिलिटी से कनेक्शन, आपकी काफ मसल से कनेक्शन, आपकी कोर की वीकनेस, वो सारे उस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप बैक पेन से बचे रहें, क्योंकि काफ़ी लोग बैक पेन से परेशान हैं। तो ये वीडियो में आपको शर्टिका के लिए बेसिक एक्सरसाइज मैंने बता दी है जिन्हें आप रिपीट करेंगे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और वीडियो के लास्ट में आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फिजियोथेरेपी से रिलेटेड वीडियो आपको उस चैनल पर मिलते रहेंगे।
वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।